नमस्कार स्टूडेंट्स, पहली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस की MCQ पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, FTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस: फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड, ऑप्शन ए। अदर ऑप्शन देखते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये हमें आउटपुट देता है। एज ए रिजल्ट हमें क्या, कोई भी डॉक्यूमेंट का या कोई भी फाइल का प्रिंट मिलता है। मॉनिटर, मॉनिटर हमें आउटपुट देता है एज ए डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमें जो भी ग्राफिक्स वगैरह है वो शो हो जाते हैं, तो हमें एज ए आउटपुट वो मिलती है, तो हम कुछ भी उसमें सीन कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या उपयोग किया जाता है? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अल्फा न्यूमेरिक में हम नंबर्स भी काम में लेते हैं, अल्फ़ाबेट भी काम में लेते हैं, और स्पेशल जो भी साइन है वो भी काम में लेते हैं, जैसे डॉलर, हैश, एक्सेट्रा। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो बैंकिंग में जो भी चेक वगैरह क्लियरिंग करवाते हैं, तो उसमें ECS बैंकिंग में काम में लिया जाता है। तो ये क्या है? ऑप्शंस: एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, ऑडी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस: जोसेफ मैरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैकाउली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ मैकाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? ऑप्शंस: प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंटआउट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइल। सभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है हमारा फाइल्स। इथरनेट संबंधित है लैन, रैन, वैन, मैन। इथरनेट किससे संबंधित है? लैन से, ऑप्शन ए। और लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटियन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? MS Excel, MS Word, MS Access, नोटपैड। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रिंग सी, MS Access। MS Access क्या काम में आता है? कोई भी डाटाबेस यानी कोई भी रिकॉर्ड वगैरह है उनको मैनेज करने के लिए, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये एक डाटाबेस है। वर्ड जिसमें डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह जो भी तैयार कर सकते हैं। एक्सेल जिसमें अंकीय जो भी अर्थमेटिक वो भी काम में ले सकते हैं, और कोई भी शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट, जीमेल। तो इसका सही आंसर होगा जीमेल। जीमेल एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, ये एक मेल वेबसाइट है जिसमें ईमेल वगैरह कर सकते हैं। ऑरकुट जो अभी बंद हो गई है, ये थी ऑरकुट गूगल का था जो बंद हो गया अभी, ये भी एक सोशल मीडिया था। फेसबुक से पहले यही चला करता था, और फेसबुक आप सब जानती हैं, गूगल प्लस जो गूगल ने अभी लॉन्च किया था पीछे।
यूएसबी प्रकार संग्रहण डिवाइस है। यूएसबी किस प्रकार का संग्रहण स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी, एक्सिलरी, टेट्राइरी और प्राइमरी। तो सही आंसर होगा इसका सेकेंडरी। यूएसबी क्या है? सेकेंडरी। डेटा का बैकअप लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, के टैप, नेटवर्क डिवाइस, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों डिवाइस हम काम में ले सकते हैं डाटा का स्टोर करने या डाटा का बैकअप लेने के लिए, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधे बाइट को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? डेटा, बिट, आधा बाइट, निबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निबल। एक आधे बाइट को निबल कहते हैं, एक निबल। और चार निबल को क्या कहते हैं? चार निबल को कहते हैं एक बिट। ठीक है, ये भी याद रखना स्टूडेंट्स, चार निबल बराबर एक बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम। और बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। रैम, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की, सीपीयू की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीडी रोम आप जानती हैं, जिसमें हम सीडी को रीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा का बैकअप लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस, फ्लॉपी डिस्क, के टैप, नेटवर्क डिवाइस, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आप सबको पहले बताया था, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देशों को होल्ड करती है और पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को मिटने नहीं देती, तो वो कौन सी मेमोरी है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीपीयू, रैम, रोम। तो इसका सही आंसर होगा रोम। रोम है जो परमानेंट स्टोरेज रखता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी हमारे डेटा को स्टोर रख सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।